एडिशन निकालते हैं, वेदों के, रामायण महाभारत के, इन सब के हमने एडिट किया है। तो कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर जगत में आते हैं, जो संगणकीय जो जगत है इसमें आते हैं, तो आजकल को क्या है कि डिजिटलाइजेशन और सब कुछ गूगल सर्च इत्यादि पे है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टेक्स्ट है, जैसे आपका विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो वहाँ उसको हम एडिट कर सकते हैं। कोई पोर्शन होता है जैसे किसी ने जानकारी नहीं थी, मान लो उसको थोड़ा सा कम या ज्यादा कर दिया, तो उसको हम उसको एडिट कर सकते हैं। कोई पोर्शन आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो उसको उसको आप डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। वर्ड का ऑर्डर कुछ गड़बड़ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो या टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक को। उसके अलावा जो सेंटेंस है, तो कोई कोई सेंटेंस गलत लिख देते हैं तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। इत्यादि ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए जो एडिशन जो करते हैं, एडिट करते हैं, उस एडिट में काम आता है। तो फिर हम इसको एडिट करने के लिए कोई ना कोई, जैसे सुधीर सर अभी बता रहे थे, यूनिकोड और फोनेटिक कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोमन में वो सब चीजें नहीं आ सकती जो हम लोग चाहते हैं। दूसरी चीज कि जो भारत में इंग्लिश बोलने वाले लोग less than 20% है, बाकी ज्यादातर यूज करने वाले जो लोकल लैंग्वेज है और जो उनकी स्क्रिप्ट है उनको ही लोग पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं। और हिंदी और देवनागरी जो लिपि है वो बहुत ही विस्तृत भूभाग में फैली हुई है और बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बरहा का निर्माण किया था। तो ये बरहा की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि एक शेषाद्रि बसु चंद्रशेखरन थे, बेसिकली वो कर्नाटक से थे और कन्नड़ लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक फ्री सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था इस बरहा का। तो उनका एक ही था कि इसको, उसका एम था कि जो कन्नड़ लैंग्वेज है वो प्रमोट, और सोशल मीडिया के जरिए और ई टेक्स्ट के जरिए, विकिपीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वहाँ विचार है उनको लिखें, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं। कन्नड़ का जो कल्चर है, वहाँ की जो और भी चीज़ें हैं, कल्चर है, पर्यटन है, वो सब बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। तो उसके लिए उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो फर्स्ट टाइम इसको जनवरी 1998 में लॉन्च किया था। तो ये केवल कन्नड़ लैंग्वेज के लिए था। उसके बाद जो कर्नाटका गवर्नमेंट था उन्होंने भी इसको प्रमोट किया, और बाद में जब इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा तो उन्होंने फिर इसको धीरे धीरे सब लैंग्वेज के लिए चालू किया। तो अभी तो इसमें लगभग इंडियन लैंग्वेजेस आ गई है। और इसका जो उस टाइम बरहा 0.1.0 वर्जन लॉन्च किया था, और अभी बरहा 10.10.202 वर्जन चल रहा है। तो ये जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज के लिए किया था। और नॉन कंप्यूटर जो पर्सन है वो कन्नड़ को कंप्यूटर के ऊपर कैसे यूज कर पाए, तो इसके लिए क्या है, अभी जो जितनी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस है लगभग सब में आ गया है। और जो एक बिगेस्ट चैलेंज था जो हम लोगों के सामने, वो ये था कि बरहा ने क्या किया कि जो लैंग्वेज थी इंडियन लैंग्वेज, और उनकी जो जितनी लैंग्वेज है, हमारी हर लैंग्वेज की अलग अलग स्क्रिप्ट है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है और कश्मीर की शारदा दर स्क्रिप्ट है। तो जो वो स्क्रिप्ट बैरियर था, तो उस स्क्रिप्ट बैरियर को ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बरहा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और उस काफी हद तक उस स्क्रिप्ट बैरियर को तोड़ा भी है। और अभी जो है ये बरहा सॉफ्टवेयर बहुत सारी स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कन्नड़, देवनागरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, गुरुमुखी, बंगाली और उड़िया। ये जितनी स्क्रिप्ट है इन सभी स्क्रिप्ट को ये सपोर्ट करता है। और लगभग सभी जितने आपके विंडोज के वर्जन हैं, विंडो 10, XP वगैरह, विस्टा, इन सबको सपोर्ट करता है। तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर चलेंगे कि इस बरहा को कैसे यूज करें। बरहा के बारे में आपको पहले सुधीर जी ने इंट्रो दे दिया है, मैं इसका यूज कैसे किया जा सकता है, क्या क्या
प्रैक्टिकल में कैसे कैसे इसको यूज करें, कौन से की से क्या वर्ड आते हैं, ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि jnu.ac.in इस पे जाकर के आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो बरहा का आप 7 वर्जन, ये देखो यहाँ लिखा हुआ होगा बरहा सेवन ऐसे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी जो बरहा का फिलहाल जो वर्जन चल रहा है, जो ये वर्जन है बरहा 10.8.1, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये इन्होंने अभी इसकी कॉस्ट रख दी है कुछ, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। मैंने जब मैं इसको भी यूज किया 10 वाले को भी, लेकिन इसमें जो 10 है इसमें वैदिक लिटरेचर के लिए जो इन्होंने बरा हेल्प में कीज वगैरह दी थी वो 10 में नहीं है, इतनी परफेक्टली काम नहीं कर पा रही है। तो बरा 7 बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ बरा जैसे अब हो गया तो आप बरा के वहां जाकर के आप बरा को कर सकते हैं। अब मैं तो मेरा स्क्रीन डेस्कटॉप शेयर करके मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपने। डॉक्टर सर जी, आप पूरा फुल शेयर कर लीजिए अगर आपको कई सारे स्क्रीन यूज करनी है। क्रोम ना सर, क्रोम में नहीं, आप जूम पे जाएंगे, शेयर के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे होल कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं या फिर एक पार्टिकुलर स्क्रीन कर सकते हैं। तो आप पूरा होल कंप्यूटर होल स्क्रीन कर दीजिए, तो आप किसी भी टाइप उस पे ऐप पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा यहाँ। मैंने ब्राउजर में खोला हुआ सर, यहाँ मिल रहा आपने जूम ब्राउजर में खोला, अलग से इसका एक ऐप ब्राउजर होता में है ना। खोला है तो उसमें शेयर का बटन होगा, शेयर स्क्रीन का बटन होगा, उसको क्लिक करने से आप डेस्कटॉप पर शेयर कर लीजिए या न्यू शेयर होगा उसको क्लिक कीजिए। उसको क्लिक कर रहा हूँ सर, टैब ही खुल गया मेरे में सर। आपका स्क्रीन एक इसको पीपीटी की आ गई है। हाँ, बंद कर दीजिए और डेस्कटॉप को शेयर कीजिए। डेस्कटॉप शेयर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा सर मेरे को, पहले तो दिखा रहा था। तो जो आपने सॉफ्टवेयर ऑन किया हुआ बड़ा उसको शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जब आप शेयर क्लिक करेंगे जूम में तो बताता है क्या शेयर करना है। बराबर में क्या दिखाना चाहते हैं? बराबर मैं शेयर कर दूं अपने एंड से। बर्रा पे सर किस फोनेटिक से क्या क्या चीजें चलती है वो शेयर तो करना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं उसका हेल्प मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया सर, बड़ा हेल्प शेयर कर दिया मैंने, आ गया सर। हाँ ठीक है। हाँ तो ये जो बरा हेल्प है इसके माध्यम से, इसमें जब आप बरा को डाउनलोड कर लेंगे तो बरा खोलेंगे तो उसमें हेल्प में जाएंगे। हेल्प में जाएंगे तो आपको हर चीज मिलेगी कि किस किस लेटर से क्या क्या अक्षर आता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था QWERT, जो ये जो आजकल जितने भी लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें ये कीबोर्ड आ रहा है, तो हमारे साथ समस्या ये बन रही थी कि जो इस कीबोर्ड में इंडियन लैंग्वेजेस को किस प्रकार से सेटअप किया जाए कि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे
अब क्या है कि इसमें जैसे आप रोमन लेटर में कुछ भी लिखेंगे सेम उसी तरीके से रोमन में लिखते जाएंगे, उसका देवनागरी में होता जाएगा, नहीं तो फिर आप प्रतिदेव वगैरह में करते हैं जैसे क लिखेंगे तो आर आएगा, रा रा आएगा, टी लिखेंगे तो मा आएगा, ऐसे आपको कई सारी दिक्कतें आती थी। तो बरहा में ये सब चीजें नहीं है, जैसे अ लिखोगे तो अ ही आएगा, और अगर आपको आ लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ ए लिखिए, कैपिटल ए लिखिए, या डबल बार ए कीजिए तो आ हो जाएगा। उसी प्रकार से ई ई उ उ री, तो री के साथ आपको आर यू, कैपिटल आर शिफ्ट के साथ आर कीजिए फिर यू, तो री आ जाएगा। तो आपको हर एक एक अक्षर के लिए, हर वर्ण के लिए एक एक लेटर आपको मिल जाएगा लगभग सब। जैसे ए लिखेंगे आप चांद या डॉक्टर का डो ऊपर लिखते हैं, तो उसमें ये जो ई के आगे जो है इसको बोलते हैं टिल्डा, तो शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे फिर ई करेंगे तो आपको डॉक्टर लिखा जाएगा। शिफ्ट का ई कैपिटल लिखेंगे तो आई आ जाएगा, ए आई से भी आई आता है, और ओ आएगा तो शिफ्ट टिल्डा ओ करेंगे तो वैसा आ जाएगा ओ आओ। उसी प्रकार जब आपको चंद्र बिंदु लगाना होता है तो शिफ्ट टिल्डा के साथ एम दबाएंगे, पहले सिंपल एम फिर शिफ्ट टिल्डा एम, तो माँ, आपको माँ लिखना हो तो शिफ्ट टिल्डा के साथ लिखेंगे तो माँ आ जाएगा। उसी प्रकार आपको अहम लिखना हो तो अहम लिखना हो तो आपको अहम, जब आप कोई भी पीछे व्यंजन आएगा तो जो अनुस्वार हो जाएगा मनुस्वार से, क्योंकि स्वर आ जाता है जब आप अनुस्वार नहीं होता है, और जब व्यंजन आता है पीछे तो फिर अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार करने के लिए आप शिफ्ट के साथ एम दबा सकते हैं, और उसी तरह के विसर्ग के लिए आपको शिफ्ट के साथ एच प्रेस करना होता है। तो बहुत ही ज्यादा सरल है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से प्रतिदेव आदि में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसमें आपको कीबोर्ड को देखना है, और जिस प्रकार से आप रोमन में अपने मोबाइल में यूज करते हैं जैसे आर ए एम राम या ए यू एम ओम, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको रोमन में टाइप करते जाना है, देवनागरी में ऑटोमेटिक होता जाएगा। जैसे क के लिए क आता है, ख के लिए क एच लिख सकते हो या शिफ्ट के साथ के कर सकते हो, ग के लिए जी, फिर दीर्घ घ के लिए जी एच, मुंगा के लिए शिफ्ट टिल्डा के साथ जी। तो हर एक अक्षर के लिए आपको अलग 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 आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक और बहुत सरल है, तो आप इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं उनका भी बहुत, जैसे आप क्ष लिखना है तो क के एस शिफ्ट के साथ एस एच, क्ष क्षत्रिय लिखना हो या रक्षण लिखना हो, और टी आर ए त्र हो जाएगा, जैसे आपको नक्षत्र लिखना हो। तो ये जो कुछ डिफिकल्ट वर्ण हैं जो इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, उनका कुछ कुछ चीजों का आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आपको अलग से कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत इजी है, और आपको अपने कोई भी माध्यम है, कोई भी चीजें हैं, आपकी बात को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि रिटर्न फॉर्मेट, जैसे अभी मैं कल ऋषियों के बारे में सर्च कर रहा था विकिपीडिया पे, लेकिन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है ही नहीं। हम लोग अपना ब्लॉग बनाए अपने फेसबुक पे, विकिपीडिया पे, ज्यादा से देवनागरी लिपि में लिखे, ताकि भाषा भी प्रमोट होगी, हमारे विचार भी लोगों तक पहुंचेंगे, और हमारे पास संस्कृत में बहुत ज्ञान है, जैसे योगा, आयुर्वेद और लिंग्विस्टिक, वेद दर्शन। तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको विकिपीडिया पे लिखना पड़ेगा, आपको गूगल पे और जो है उसमें लिखना पड़ेगा, आपको ब्लॉग्स के थ्रू लिखना पड़ेगा, आपको जैसे हमारी संस्कृत ऐसी ऐसी जो साइट्स है उन पर आपको बताना पड़ेगा। उनके लिए बहरा एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मिल सकता है, तो और सब कुछ लिख सकते हैं इसमें। जैसे आपके लिए आप शिफ्ट के साथ आप एन का जो प्रेस करेंगे कि, तो उसे अवग्रह आ जाएगा, एयू आ जाएगा, और नुक्ता है, या फिर जो आप एक्स के जो आप वो लगाते हैं उसके लिए आ जाएगा। जैसे आप के लिए देखेंगे तो हकीकत, ये जो आप उस पूरे देखते हैं तो हम लोग हकीकत से, लेकिन ये पीछे
नीचे बिंदी लगाते हैं, हकीकत ऐसा करके बोलते हैं, तो वो सब चीजें आपको बहुत ही आसान से समझ आएगी। इसके अलावा इसकी जो और सबसे बड़ी खासियत बात है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है वैदिक चीजों जो वैदिक लिटरेचर उसकी बना बहुत ही यूज़। जैसे आपको ये जो बहुत सारे लोग तो इनके बारे में आप बोलना ही छोड़ दिए, जैसे उदात अनुदात, सॉरी आपको उदात लिखना है, अनुदात लिखना, उदात का तो कोई चिंता नहीं है, अनुदात लिखना है तो आपको शिफ्ट के साथ एट द रेट प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ एट द रेट प्रेस करेंगे तो आपको अनुदात लिखा जाएगा, शिफ्ट के साथ आप डॉलर जैसे जो चिन्ह है इसका प्रेस करते स्वरित बन जाएगा, उसी पर कुं, कुं, जो इसका जो मिलता है, तो ये सामान्य रूप से हम लोग नहीं लिख पाते हैं, तो इसका भी ये जो हैश के साथ F1 और ये जो आप करेंगे कि प्रेस, तो ये कुं, 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 ये जो मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्षर सहस्त्रपाद, तो इसमें आप जब देखेंगे तो सह का जो शुरुआत में सह है उसका अनुदात है, उसके बाद ह है उदात, उसके बाद स्वरित, तो जो आपने अनुदात लिखा है वो लोंग सहस्त्र फोंट बरहा देवनागरी ये है, तो एस एस और ए ये प्रेस की तो आपका सब लिखा गया। उसके बाद एट द रेट जैसे आपने प्रेस किया तो नीचे अनुदात आ गया, उसके बाद आपने हस्र लिख दिया एच ए आर एच ए एस आर ए, उसके बाद आपने हैस की जैसे हैस की तो आपको स्वरित का चिन्ह मिल गया। तो ये जो चीजें हैं आप एक मंत्र लिखना चाहते हैं या आप उसके उदात अनुदात स्वरित आदि लगाना चाहते हैं तो वो आसानी से बरहा में ही लिख सकते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर में काफी दिक्कतें आती है, तो बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। अभी मेरी स्क्रीन थोड़ी वो डेस्कटॉप पे आ रहा है तो मैं आपको हर एक चीज का बताता एक एक करके, उसी प्रकार से हमारा यान भान से लगा तो ये लिखना है तो आपको किसके ऊपर कौन सा की पेश करना हर इसके लिए गया है। फिर से पीपीटी पे आऊंगा आपको पीपीटी में उसके अलावा आप बरहा को बरहा.com है JSP इंडेक्स ये भी दिखा था वहां पर भी जा सकते हैं, उसमें जैसे ही आगे तो उसमें हेल्प में जाना है, हेल्प जैसे आप हेल्प पहुंचते हैं हेल्प में जाते हैं आपको चीज के बारे में इंट्रोडक्शन की किसी से क्या क्या वर्ड आता है कुछ करने से आता तो बरहा उसमें ज्यादा सॉफ्टवेयर लगा है क्योंकि मैं उससे पहले कृतिदेव में टाइप करता था, तो उसमें आपको हर चीज याद रखना पड़ता है कि इससे ये वर्ण आएगा इसे इसमें आपको वर्ण याद नहीं रखेंगे, बहुत इजीली आप काम कर सकते हैं। और जो हिंदी टाइप के लिए आप आज की तारीख में कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत ही आप बहुत ज्यादा जगह जाएंगे तो आपको हिंदी टाइप राइटर कोई मिलेगा, नहीं तो इजीली हिंदी टाइप राइटर भी नहीं मिलता है क्योंकि वो ज्यादातर इंग्लिश में यूज करते हैं, और अगर वो मिल गया तो आपने कहीं से बाहर से लिखवा के लिया है और आप अपने घर पे आपके पास आपके लैपटॉप नहीं सॉफ्टवेयर या फिर वो फोन आपको जैसे सुधीर सर आपको बता रहे थे वो फोन आपको मिलते नहीं है, तो इस तरह को इजीली आप यूज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि ई टेक्स्ट को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज दे दिए प्रेफर कीजिए, क्योंकि हम इतना ई टेक्स्ट बनाएंगे नहीं हमारी जो लैंग्वेज है उसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होगी, और जितने ज्यादा लोगों तक रीच होगी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप अपनी बात ही नहीं बताएंगे तो किस लोगों का किसी का भी रीच बढ़े, और रीच नहीं बढ़ेगा तो कोई भी आपको कितना ज्ञान है आपके अपने पास ही रह जाएगा। जैसे आप अमेजोन किंडल डाला है हर लैंग्वेज की हिंदी के आज के लेटेस्ट से लेटेस्ट उपन्यास है नॉवेल्स है वो सब के सब उन्होंने किंडल
अमेजोन बता रहा, लेकिन संस्कृत की अमेजोन किंडल आई नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम ई टेक्स्ट को बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। अपनी कोई भी कविता लें, कोई भी कहानी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो उसको हम लोग नहीं करते हैं, लोगों शेयर नहीं करते हैं, तो क्या लोग हमारे पास अट्रैक्ट नहीं होते, हमारे पास आते नहीं है। तो हम लोग यूज करके हम अपना एक ब्लॉग बनाएं, फेसबुक पे लिखें जो हमारी संस्कृत से, उस पर लिखें। क्योंकि जैसे अभी आप देखेंगे कोरोना का हुआ, मैं जेएनयू से घर आ गया, सारी बुक्स जेएनयू की रह गई। अब आप नेट पे सर्च करेंगे, नेट पे बहुत सारी बुक्स आपको नहीं मिली। तो इसीलिए इजी टू वे है यही कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखें, और बरहा को आप हमारे सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज करना तो आप उनके साइट पे जाके भी परचेज कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। थैंक यू। थैंक यू राम किशोर जी। एक्चुअली बरहा के बारे में मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये बहुत ही आसान है। आप इससे संस्कृत या बाकी और भी भाषाएं, पंजाबी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, और भी भाषाएं बड़े आसानी से आप कर सकते हैं टाइप। और कल मैंने थोड़ा सा हिंट किया था कि इसको यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी, क्योंकि फोनेटिक कीबोर्ड है और आप बहुत आसान यूज करना है, उसके हेल्प में जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं। और कल के लिए एक विशेष सूचना मैं देना चाहता हूँ, कल का जो सेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, हम HTML, CSS और JavaScript थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे, और ये बिना प्रैक्टिकल के आप लोगों के लिए सीखना, प्रैक्टिकल के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए जिसके पास लैपटॉप है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो लैपटॉप से लॉग इन करें, क्योंकि लैपटॉप होगा तो वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उस पर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। HTML, CSS और JavaScript, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग बेसिक HTML बना सकें और HTML एक वेब डॉक्यूमेंट बना सकें, अपना एडिट बायोडाटा वगैरह पब्लिश करने में सक्षम हो। तो आप लोग कल जो है लैपटॉप के साथ लॉग इन करें जिसके पास है, अगर जिसके पास नहीं है तो हम बताएंगे उनको कैसे क्या करना है। नहीं तो मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हैं, और आप 11 बजे आए, कोशिश करें, लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल फोन भी चलेगा। मोबाइल फोन से लॉगिन करेंगे, हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताएंगे जहां से आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मोबाइल सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग फिर कल 11 बजे मिलते हैं। थैंक यू।